जी हाँ दोस्तों, शुरुआत में पुलिस जांच से काफ़ी सेटिस्फाइड थे सागर के परिवार वाले, क्योंकि उनको लग रहा था जितनी तेज़ी से जांच चल रही है उससे बहुत जल्द उनको इंसाफ मिल जाएगा, सागर धनखड़ की हत्या के सभी आरोपियों को सज़ा मिल जाएगी। लेकिन अब दोस्तों सागर के परिवार वालों ने इस बात को दुख जताया है कि पुलिस की तरफ से ज़्यादा कुछ प्रयास नहीं किए गए और उनकी तरफ से हमेशा ही निराशा हाथ लगी है। ऐसा दोस्तों सागर धनखड़ के मामा आनंद सिंह ने एक बयान के दौरान मीडिया इंटरव्यू के दौरान बातें कही थी कुछ दिनों पहले। उन्होंने कहा था कि रिमांड पर पुलिस ने लिया सभी आरोपियों को, लेकिन जब बातचीत हुई और जब पुलिस रिमांड के दौरान कुछ भी बात सामने नहीं आई, क्योंकि दोस्तों आपने भी एक बात गौर करी होगी कि सुशील कुमार को गिरफ्तार तो किया गया और करीब 12 से 13 दिन तक उनको पुलिस रिमांड में भी रखा गया, लेकिन पुलिस कोई बड़ा सबूत नहीं जुटा पाई। उनके कपड़े, उनके मोबाइल और उनके किसी भी बयान से इस हत्या के आरोप का कोई भी खुलासा नहीं हुआ। उन्होंने इसी बात को लेकर डर जताया कि पुलिस रिमांड में कोई सबूत नहीं जुटा पाई तो आगे क्या ही होगा इस केस में। और अभी भी दोस्तों ये केस की जांच क्राइम ब्रांच की टीम और पुलिस की टीम ही कर रही है, लेकिन ऐसे में क्या होता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारी जान को भी खतरा है। सागर के मामा ने कहा कि हमेशा हथियारबंद कुछ बदमाश हमारे आसपास दिखते रहते हैं, हमें हमेशा उनसे डर लगा रहता है। ऐसे में एजेंसी जब तक कोई खुलासा करके उन सभी को सज़ा नहीं दिला देती तब तक हम सभी को ये डर बरकरार रहेगा और हमारे बेटे सागर को इंसाफ नहीं मिलेगा। दोस्तों हैरान कर देने वाली बात है कि जूनियर लेवल का पहलवान जिसने इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे इनाम जीते हैं, पदक जीते हैं, भारत देश का नाम रोशन किया, लेकिन इंसाफ की लड़ाई में उसके परिवार का साथ इस समय कोई नहीं दे रहा है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।